कहने की जरूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और ना हरिहर काका के भाइयों ने भी। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ लोग की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने में उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों वर्गों में बंटने लगे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू-तू में भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख दे। तब भैया ठाकुर बारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुर बारी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुर बारी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुर बारी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। मतलब जो खाने के लालची होते हैं वो लोग, ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग और तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने कांत में मुझसे काफ़ी देर बात की। अतः हम इस निष्कर्ष मतलब इस फैसले पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का मंत्र ही क्यों ना हो। हमें अपने गाँव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। हरिहर बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिख देंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊँगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊँगा नहीं, इसीलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टो में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब ना करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन बाय कर दो, मतलब ज़मीन की वसीयत कर दो, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुर बारी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही हैं। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी वसीयत उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएँ बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वे चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूँ, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के साथ मोह माया में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के समय ठाकुर बारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक के लैस एक एक हरिहर काका के दलान पर आदम के। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जब
जवाबी कार्यवाही करे और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। गांव ने किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी ना सुनी थी। सारा गांव जग गया। शुभचिंतक हो तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वह मय दल बल ठाकुर बारी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर बारी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं बाहर के डाकुओं का है। वे जो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरे दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की समृति किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हर घर इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे और इसी ठाकुर बारी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे, अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीन भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े।